बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन। लफ्ज जो हाइब्रिड है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इसका मतलब दोगला होना, दोहरा होना, ठीक है। यानी किसी भी एक से ज्यादा चीजों का मुरक्कब होना, एक चीज जो है वो ना प्योर हो, ठीक है। एक से ज्यादा चीजें मिलके जो है वो एक मिक्सचर बनाए, एक नया कॉम्बिनेशन बनाए, तो उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। जो थ्योरी है या जो प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन का, बेसिकली ये कार्बन के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको या जो कंपाउंड्स थे कार्बन के उनको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी और ये प्रोसेस या ये कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब ये कि कार्बन के पास न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, ठीक है। और इसके जो एटम की हालत में इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहले शेल में जो है, अगर हम देखेंगे पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है जो कि एस है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे शेल के अंदर आगे से 2 सब शेल है, एक है एस और दूसरा है पी, ठीक है। तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2s में जाएंगे और बाकी जो 2 बच जाएंगे वो पी में जाएंगे, ठीक है। ये तो सब शेल की बात हो रही है, लेकिन जो पी सब शेल है इसके अंदर जो है मजीद 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। पी सब शेल के अंदर मजीद 3 ऑर्बिटल्स हैं और इन 3 ऑर्बिटल्स को हमने रिप्रेजेंट किया है पी एक्स, पी वाई और पी जी से, ठीक है। पी एक्स जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं आ सकते, ठीक है। और पी वाई के अंदर भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे अगर हम इसको फिल करेंगे तो, ठीक है। पी जी के अंदर कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हैं। यहाँ पे यहाँ तक फिल होने के बाद सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 4 जो है वो फिल अप हो चुके हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब हमारे पास ये है कि हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में रख दें। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, नंबर 1। एंड नंबर 2, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है कम इन एन ऑर्बिटल विद एन ऑपोजिट स्पिन। जिस तरह यहाँ पे 2s के अंदर एक एरो जो है वो अपवर्ड है, दूसरा एरो डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है, रोटेशन का मतलब यहाँ पे स्पिन है, ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट स्पिन को जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो से शो करते हैं। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, उनको हम इस तरह से जो है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक ही ऑर्बिटल में रख देते हैं। अगर हम उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में रखेंगे तो उनकी इसी तरह सेम ऑपोजिट स्पिन होगी। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स मौजूद हों और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम हो, ठीक है, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। दोबारा से मैं बता रही हूँ, पी जो हमारे पास सब शेल है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे सब शेल है वो सेकंड शेल के अंदर मौजूद है, पी सब शेल सेकंड शेल के अंदर मौजूद है, तो हमारे जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो भी सेकंड जो है वो शेल के अंदर मौजूद होंगे। सेकंड शेल का जो यहाँ पे सब शेल है पी, उसका एक ऑर्बिटल होगा 2px, दूसरा 2py और तीसरा 2pz। इन तीनों की एनर्जी भी सेम है, इस वजह से इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। इस वजह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने हो, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है, तो वो इस तरह से आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स कि वो पी एक्स के अंदर और एक पी वाई के अंदर आएगा। दूसरी बात, उनकी जो स्पिन है वो सेम होगी, ठीक है। यानी कि अगर हम एक को क्लॉकवाइज रखेंगे दूसरा भी क्लॉकवाइज ही होगा, अगर एक को एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है हमने उसको डाउनवर्ड रख दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी दूसरे ऑर्बिटल के अंदर हम डाउनवर्ड ही रखेंगे। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हमारे पास एक थ्योरी थी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के आने से पहले, जिसको कहा जाता था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि जो एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के उसके अंदर ना तो कैपेसिटी है ना ही स्पेस है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किस तरह से हैं,
एक की स्पिन जो है क्लॉकवाइज होती है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होती है। हाफ फिल्ड क्या होंगे, अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हाफ फिल्ड है, अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो वो कंप्लीटली फिल होता है। ठीक है, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो है, वीबीटी जो है ये जो थ्योरी आई, ठीक है, इसने ये कहा कि वैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कार्बन की वैलेंसी कितनी बन रही है, क्योंकि कार्बन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, कार्बन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स दो बन रहे हैं, एक 2px है दूसरा 2py है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए एक एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो है वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन एटम जो है वो 2 होनी चाहिए, लेकिन जब हम कार्बन एटम्स को उनके कंपाउंड्स में देखते हैं तो कहीं पे भी कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो 2 नहीं है, कार्बन एटम की वैलेंसी हमेशा 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो वीबीटी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा क्यों है, वीबीटी के अकॉर्डिंग जो है वो कार्बन की वैलेंसी 2 बन रही थी लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं था। तो हमने एक्चुअल जो चीज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो देखना होता कि एक्चुअल में जो है वो ही रियलिटी है, तो एक्चुअल में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उस एक्चुअल में जो हो रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आई। ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की इस थ्योरी में एक जो है वो एक स्टेप आया जिसके अंदर, यानी हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले एक प्रोसेस होता है एक्साइटेशन का। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको देखते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है। हमेशा जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी ऑर्बिटल से, लो एनर्जी सब शेल से हाई एनर्जी शेल के अंदर या सब शेल के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर जंप करेगा तो वो एनर्जी गेन करेगा। अभी हमने ये देखा कि हमारे पास ये सारा का सारा जो है वो सेकेंड शेल है, ये दोनों जो है वो ये एस और ये पी, ये दोनों सेकेंड शेल से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जो 2s है इसकी एनर्जी जो है वो कम है और जो 2p है सब शेल इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो जो 2p की एनर्जी है वही उसके ऑर्बिटल्स की भी उतनी ही एनर्जी है, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी सेम है, 2px 2py 2pz इनकी एनर्जी सेम है, लेकिन 2s की एनर्जी जो है वो कम है, 2s के अंदर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, अगर 2s से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके 2pz के अंदर आना चाहे तो 2s की एनर्जी कम है, 2p की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में आने के लिए एनर्जी गेन करना पड़ेगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करे लोअर जो है एनर्जी सब शेल से हाई एनर्जी सब शेल के अंदर या लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी जो है वो शेल के अंदर, तो उसको एनर्जी गेन करना पड़ती है। जब वो एनर्जी गेन करता है तो हम उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि एक शेल से जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जा रहा है, बल्कि एक ही शेल के अंदर सब शेल में, एक सब शेल से दूसरे सब शेल के अंदर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक सब शेल की एनर्जी कम है और दूसरे सब शेल की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जंप करना आसान है क्योंकि शेल एक ही है, एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, बहुत थोड़ी मिकदार में एनर्जी जो है वो चाहिए 2s इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए 2p में। ठीक है, तो अब हम जब ये जंप करके 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसको हम इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया 2s से जंप करके जो है वो जब 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो बनेगी, कॉन्फिग्रेशन का मतलब होता है तरतीब अरेंजमेंट। ठीक है, उसको हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कहेंगे। और जो है ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है तो इनकी जो है वो स्पिन भी सेम रहेगी। एस के अंदर जो है वो कोई आप ये नहीं कह सकते कि हमें रेस्ट्रिक्शन है कि हमने इसको इन तीनों को क्लॉकवाइज रखा तो इसको भी क्लॉकवाइज ही रखेंगे, क्योंकि एस की एनर्जी कम है, ये जो है वो इन जैसा बिहेव करने के लिए जो है वो आप कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, हो भी सकती है इनके साथ लेकिन इनके ऑपोजिट भी हो सकती है, इन तीनों के ऑपोजिट भी हो सकती है, लेकिन इन तीनों की जो है वो आप यूं कहोगे कि जो डायरेक्शन है स्पिन की वो सेम होगी क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी जो देखी गई, हमारे पास जो एस है उसकी शेप होती है सर्कुलर। ठीक है,
एस जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये टू एस है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, उसको मैं फिल कर देती हूँ। उसके बाद हमारे पास है 2px। सपोज 2px को हमने x एक्सिस के अलोंग जो है वो कर दिया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, ये भी 2px हो गया। फिर दूसरा जो ऑर्बिटल है 2py को हम ऐसे कर देते हैं, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको भी मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। 2pz जो है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz को हम ऐसे z एक्सिस के अलोंग करते हैं। तो ये अब s की एनर्जी स्मॉल है, मतलब कम है, 2px, 2py, 2pz इन तीनों की एनर्जी तो सेम है लेकिन वो s से ज्यादा है, ठीक है। अब जब मीथेन बन रहा होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल, तो उसमें इन चारों के साथ जो है चार हाइड्रोजन आके अटैच होंगी, यानी कि जब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसने अब VBT का जो इतराज था, एक इतराज तो खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स फोर हो गए। अब VBT जो है एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन को देख रही है, तो VBT के अकॉर्डिंग इसके चार जो है वो बॉन्ड होने चाहिए, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन आगे एक प्रॉब्लम था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है, उसको आगे से हाइब्रिडाइजेशन ने सॉल्व किया। वो क्या प्रॉब्लम था कि अगर यहाँ पे 2s के साथ 1s ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है, ठीक है, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी, वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू अगर 1s जो है वो 2px, 2py या 2pz के साथ अटैच होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब एक्चुअल में जब देखा गया तो कोई भी एक्चुअल में जो कंपाउंड ऑफ कार्बन है उसके चार बॉन्ड थे और चारों के चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी सेम थी, जो कि मतलब जब थ्योरेटिकली हम देख रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1s और 2s जो है इसके दरमियान जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और बॉन्ड लेंथ होगी वो डेफिनेटली डिफरेंट होनी चाहिए 2px, 2py और 2pz के जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड एनर्जी से, जब वो हाइड्रोजन के 1s के साथ अटैच हो, ठीक है। तो ऐसा जो है वो इस चीज को रियलिटी के साथ जो है वो लाने, रियलिटी जो है जो एक्चुअल में देखा गया केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन के अंदर, कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं, उन चारों बॉन्ड की जो है एनर्जी सेम है, उन चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है, ठीक है, जो कि थ्रेटिकली हम जब देख रहे हैं वो हो नहीं रही। थ्रेटिकली मतलब हम एस और पी जो हमने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए, सबकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया, उसने जो है ये कहा कि ये चारों ऑर्बिटल मिक्स करके चार नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उनकी शेप और एनर्जी भी सेम होती है। अब चारों ऑर्बिटल मिक्स करने के लिए जो है ना, उससे पहले हम एक एग्जांपल की तरफ जाएंगे। जिस तरह आपके पास जो है वो चार ग्लास है, आपने चार ग्लास के अंदर चार तरह चार कलर्स जो है, चार रंगों के शरबत बनाए। एक के अंदर आपने जो है टैंग का जो है वो लेमन फ्लेवर लिया, व्हाइट कलर का होगा। एक के अंदर आपने ऑरेंज लिया है फ्लेवर, ठीक है, वो ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। एक में आपने लेमन ले लिया होगा पहले, तो आपने मैंगो लिया है, ठीक है, वो येलो कलर में होगा, ठीक है। तो आपने एक और ग्लास के अंदर जो है ना वो कोई और कलर जो है वो टैंग का फ्लेवर जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। आप चारों ग्लासों के अंदर चार जो है वो डिफरेंट कलर्स होंगे, ठीक है। आप एक जग पकड़ते हो, उन चारों ग्लासेस को जो शरबत है उनका जग में डाल देते हो, उसके बाद उसको मिक्स करते हो, तो क्या होगा, क्या वो चारों ग्लासेस के अंदर जो कलर है उनमें से कोई एक कलर जो है वो जग का होगा? ऐसा नहीं होगा। अब ग्लास जो है जो भी कलर रख रहे थे, अब उनसे मुख्तलिफ कलर जो है वो जग के अंदर नजर आएगा आपको। चारों ग्लासेस के जो कलर थे वो सेपरेटली जो कलर थे जग के अंदर, एक डिफरेंट कलर अपीयर होगा। मिक्स करने के बाद अब दोबारा से जो शरबत का मिक्सचर बन गया, जो आपने ड्रिंक बनाया उसका एक नया मिक्सचर बन गया, आप उन फोर ग्लासेस के अंदर दोबारा से पोर करोगे, ठीक है, फोर ग्लासेस के अंदर पोर करोगे तो आपके पास जो है वो एक ही कलर के चार जो है वो ग्लासेस आप नजर आएंगे, ठीक है। जो भी नया कलर जाके जग में बनेगा, ठीक है, वो नया कलर उन चारों ग्लासों के सेपरेट कलर से एक तो मुख्तलिफ होगा, दूसरा अब चारों ग्लासेस के अंदर अब जब जग का वो वाला जो है शरबत डालोगे तो चारों ग्लासों के अंदर जो है वो सेम कलर का शरबत आएगा, ठीक है। इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन है कि यहाँ पे एक मुख्तलिफ शेप वाला जो है वो ऑर्बिटल है, इस ये इसका जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लें हैं, चारों की मुख्तलिफ शेप्स हैं, ठीक है, और एनर्जी भी मुख्तलिफ है। एस की एनर्जी और है, इन तीनों की एनर्जी और है,
डिफरेंट शेप डिफरेंट एनर्जी वाले जो है ऑर्बिटल मिक्स होते हैं. जब मिक्स होकर जो है नए ऑर्बिटल बनेंगे, जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे. जिसमें हमने 4 ग्लासेस जो है उसको जग में डाला, तो दोबारा से जग में जो है से जब ग्लासेस में डालेंगे तो वो 4 ग्लासेस के अंदर ही जो है वो फिल अप होगा वो वाला ड्रिंक. ठीक है, तो 4 ही हमारे पास नए ऑर्बिटल बनेंगे. अब उन 4 ऑर्बिटल्स को नाम क्या देना है, एक एस है और यहाँ पे जो मिक्स हुआ बाकी 3 जो है वो पी है. तो 4 ऑर्बिटल्स जो बनेंगे हर एक का नाम भी एक होगा. नाम क्या होगा, sp3. 4 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे और उन 4ों का 4 का नेम जो है वो sp3 ही होगा. ठीक है, और sp3 होगा साथ में उनकी जो है इस तरह से शेप भी सेम होगी. ठीक है, sp3 प्रोड्यूस होंगे, चारों की शेप भी सेम होगी. ठीक है, तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने की कंडीशन में आ गए कि हमने थोड़ा सा उसको जो है वो पीछे से तमहीद बांध ली है. तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिक्स टूगेदर. सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी मिक्स टूगेदर टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप. ठीक है, यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें मुख्तलिफ शक्ल और मुख्तलिफ तवानाई रखने वाले ऑर्बिटल्स 2 या 2 से ज्यादा मिक्स होते हैं और वो उतनी ही तादाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप सेम होती है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन, इस अमल को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हुए हैं इनकी जो है एनर्जी और शेप ये तो मुख्तलिफ है. ठीक है, लेकिन ये खास एंगल के साथ जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. ठीक है, खास एंगल से जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, वो खास एंगल क्या है, वो खास ज्योमेट्री क्या है, ठीक है उसको देखते हैं. ये 4 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के जरिए जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक अप हो जाते हैं. तो इसको हम इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और जो एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री का होता है. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम इस तरह से जो है अगर रिप्रेजेंट करें यूं करके यूं, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही होती है. ठीक है, अब हम एक जो है वो इसकी एग्जाम्पल लेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जहां पे बन रही है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है. वो एग्जाम्पल जो है वो मीथेन की है. ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल किस तरह से जो है वो बनता है उसको देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन के अंदर होता क्या है, कार्बन है. ठीक है, कार्बन ने जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई हुई है sp3 जो है ऑर्बिटल्स की. ठीक है, एक इधर ड्राइंग मेरी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल्स हो गए, 3 के 3 जो है वो sp3 है. ठीक है, तो यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर मौजूद होगा ऑलरेडी. ठीक है, इन तीनों के अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और हम साथ में जो है वो हाइड्रोजन का 1s आके ओवरलैप करेगा. हाइड्रोजन के पास भी जो 1s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है लेकिन वो ऑपोजिट स्पिन के साथ आके इसके साथ अटैच होगा. यहाँ पे भी 1s जो है वो आएगा लेकिन उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑपोजिट स्पिन के साथ इसके साथ अटैच होगा. यहाँ पे भी 1s आएगा और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ जो है वो अटैच होगा. ठीक है, यहाँ पे भी 1s जो है वो आएगा ऑपोजिट स्पिन. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास CH4 जो है वो जनरेट होता है. इस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, और यहाँ पे एंगल जो है 109.5 डिग्री का. होपफुली जो आपको ये टॉपिक है वो समझ आ चुका होगा. लेकिन अगर हमारे पास इसके अंदर जो है वो मीथेन की बजाय हम इथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो एक और जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री साथ में आके कनेक्ट हो जाएगी. ठीक है,
होपफुली आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ आ चुका होगा।